एक तरफ जहां निर्माताओं ने अभी तक सुनील ग्रोवर के अपकमिंग शो को कंफर्म नहीं किया है, वहीं इससे लाखों लोगों ने अटकलें लगाना नहीं छोड़ा है। सुनील ग्रोवर के साथ हुई लड़ाई के बाद कपिल के शो में गिरावट आने लगी थी, लेकिन अब सुनील छोटे पर्दे पर कमबैक करने के लिए तैयार हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि उनका अपकमिंग शो कपिल को रिप्लेस कर देगा। रिपोर्ट्स के अनुसार सुनील अपना शो लेकर आ रहे हैं, जिसमें सुगंधा मिश्रा, अली असगर और कीकू शारदा नजर आएंगे। तीनों के साथ कृष्णा अभिषेक भी नजर आ सकते हैं। कृष्णा का शो ड्रामा कंपनी ऑफ एयर हो सकता है और माना जा रहा है कि सुनील का शो उसे रिप्लेस कर सकता है। एनडी टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार दिलचस्प बात यह है कि सुनील और कपिल के साथ नजर आने वाले चेहरे नए शो का हिस्सा होंगे। हो सकता है कि सुनील को कपिल के शो वाला टाइम स्लॉट मिल जाए। हालांकि कपिल सुनील को लेकर काफी आशावादी हैं। सुनील की वापसी पर जब डीएनए ने उनसे पूछा तो एक्टर कॉमेडियन ने जवाब दिया, क्यों नहीं, वो उनका भी शो है जितना मेरा है। आपको घर वापस आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। मुझे समझ में नहीं आता ये सब कैसे हुआ। यह सब मेरे साथ बहुत जल्दी हुआ। मेरा शो पूरे देश के लिए खुशी और हंसी का स्रोत बन गया था। मैं भाग्यवान महसूस कर रहा हूँ, कपिल ने आगे कहा। उसके बाद लगता है किसी की नजर लग गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे बारे में सभी तरह की गलत अफवाहें फैल गईं। मैंने कभी अपने बारे में जारी गलत रिपोर्ट्स पर सफाई देने की चिंता नहीं की। मुझे लगता है कुछ लोगों ने मेरी चुप्पी का फायदा उठाया है। सुनील के शो छोड़ने के बाद कपिल शर्मा के शो की टीआरपी में काफी गिरावट देखने को मिली। इसके बाद कपिल की तबीयत काफी खराब रहने लगी, जिसकी वजह से शो पहले जैसा नहीं रह पाया। बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ होने वाली शो की शूटिंग को रद्द करना पड़ा, जिसमें शाहरुख खान से लेकर अजय देवगन तक का नाम शामिल है। ऐसी खबरें हैं कि शो ऑफ एयर हो गया है।